हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ईद में सबसे ज़्यादा बनने वाली रेसिपी शीर खुरमा, जो बहुत ही यम्मी बनती है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध, 150 ग्राम हमें चीनी लेना है, 50 ग्राम ये बारीक वाली सिवई है हम इसको लेंगे, आप अपनी चाहें तो मोटी सिवई भी ले सकते हैं। ये आधा कप हमने खोया लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश घर का खोया बना हुआ है। और ये देसी घी हमें लेना है, और ये ड्राई फ्रूट हैं जो हमने इनको भिगो लिया था और लंबा लंबा कट कर लिया, जिसमें है बादाम, इनको छील के हमने छिलके उतार लिए थे, कट कर लिया है, काजू हैं, पिस्ता है, और ये किशमिश है, और ये खजूर है, इनको भी हमने लंबा लंबा काट लिया था। ये है मीठा इत्र, और ये ज़ाफ़रान है यानी कि केसर, ये गरी का बुरादा है, और ये इलायची पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब एक भगोने में हमने दूध को डाल दिया है, अब इसको हम उबालेंगे। उबालते वक्त इसमें हम केसर डाल देंगे और इलायची पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको इतना ज़्यादा उबालेंगे कि ये उबलते उबलते, जैसे 1.5 लीटर दूध था तो ये आधा लीटर जल जाए और 1 लीटर रह जाए, इतनी देर हमें उबालना है। और वो लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना नीचे ये लग जाएगा। अब ये दूध बॉयल होने लगा है और इसमें केसर का बहुत अच्छा सा कलर भी आने लगा है, तो इसमें हम किशमिश डाल देंगे और ये कटी हुई जो खजूर थी वो भी डाल देंगे, और इसको लगातार हमें चलाते रहना है चम्मच, और ये साइड में भी जो मलाई जमने लगी इसको भी छुटाते रहना है, इसी से दूध में गाढ़ापन भी आएगा। और इसको अभी हमें पकाना है जब तक ये आधा लीटर दूध जल ना जाए और 1 लीटर दूध बच जाएगा, तब तक हमें इसको पकाते रहना है लगातार चलाते चलाते। जब तक दूध बॉयल हो रहा है हमने दूसरे साइड कर दिया है, तो फिर गैस पर हम रखेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब ये ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे इनको फ्राई करने के लिए। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, वैसे इसमें चिरौंजी भी डाली जाती है, तो चिरौंजी मेरे पास थी नहीं, अगर आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर डालें। इनको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, इनका कलर चेंज होने तक, थोड़े से ये टाइट हो जाए तब तक फ्राई कर लेंगे हम। और शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट जितने ज़्यादा हो उतनी ही ज़्यादा ही वो टेस्टी बनती है। ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को हमने निकाल लिया है, अब इसी घी में हम सिवई को भी फ्राई कर लेंगे। सिवई को थोड़ी लाल हो जाने तक हम फ्राई करेंगे, आंच को स्लो कर दीजिएगा वरना सिवई बहुत जल्दी जल जाती है। सिवई फ्राई हो गई है तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये दूध भी उबलते उबलते गाढ़ा हो चुका है, इसको उबालने में 10 मिनट का टाइम लग गया था। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी इसमें कम ही डाली जाती है क्योंकि दूध भी जलते जलते काफ़ी मीठा हो चुका है और खोए में भी मिठास रहती है, तो चीनी 150 ग्राम ही डालिए। उसके बाद अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चख के देख लें, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप चीनी और डाल सकते हैं, और चीनी की जगह पे आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, तो इससे टाइम की बचत होगी, दूध और जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अब चीनी डाल के हमें 2 मिनट और इसको पका लेना है इसी तरह से चलाते चलाते। अब ये 2 मिनट हमने इसको चीनी डाल के पका लिया था, अब इसमें हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, इसको मिला देंगे, और ये खोया है इसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा हाथ से फोड़ देंगे। तो चला देंगे, और ये जो ड्राई फ्रूट हमने तल के रखे थे ये भी डाल देंगे।
अब 2 से 3 मिनट हमें इसको और पकाना है, जो हमने खोया डाला था वो भी इसमें मिक्स हो जाए दूध में अच्छे से। खोया भी दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है और दूध पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो गया है, खोया डालने से ये और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें सिमई डाल देंगे और सिमई डाल के भी हमें इसको पकाना है थोड़ी देर तक। अब देखिए पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो गया, सिमई भी पक चुकी है तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अभी तो आपको देखने में ये काफ़ी पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होता जाता है ये गाढ़ा होता चला जाता है। अब उसमें एक ड्रॉप हम मीठा इत्र डाल देंगे, बस एक ड्रॉप डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है वरना ये कड़वा हो जाता है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको हमने डिश आउट कर दिया है तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा। इस ईद पर आप इसको ज़रूर बनाइए, हमें उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।